फ्रेंड्स, ये हमारा चूल्हा है, हम इसकी सफाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये दो हटा दिए ऊपर, तो चारों के हटा रहे हैं। तो ये हमारा अपने आप ऑटोमेटिक फ्लेम को बुझाने वाला है। तो ये देखिए क्या क्या हमने करना है इसकी सफाई के लिए। तो ये हमें कह रहे हैं कि बाल्ब इसका खराब है, तो इसकी जो लेबर है थोड़ी सी ज्यादा लगती है, 250 रुपए दो चूल्हों के। अगर आपका चूल्हा नॉर्मल है तो 150 रुपए का पड़ेगा। तो ये खोल रहे हैं और बड़ी सावधानी से करना पड़ता है, क्योंकि जो जो इसका ऊपर का फ्रेम है वो हार्ड ग्लास है, तो चांसेस होते हैं कि उसमें कुछ खराबी आ जाए या टूट जाते ही हम सफाई करें खोल में। तो देखते हैं कैसे इन्होंने खोलना है। ये दोनों तरफ से हम निकाल दिया, हमने गैस बंद कर दी है सेफ्टी के लिए। तो ये देखिए कैसे इन्होंने सफाई करनी है। ये हमारा जो आप ये देख सकते हैं, दोनों तरफ से हम निकाल रहे हैं। तो गैस का जो काम है आप किसी एक्सपर्ट से ही कराएं, क्योंकि ये जो है थोड़ा खतरनाक काम होता है, गैस लीकेज ना हो जाए कहीं। तो ये शायद आपको साइड से दिख भी नहीं रहा होगा। ये हमने जो हमारा रेगुलेटर है गैस का कंट्रोलर, उसको हटा दिया है। तो ये हमारा वाल्व होना चाहिए, जो भी आप इसको कह सकते हैं। थोड़ी सी सफाई करेंगे। बहुत ही पतली सुई इन्होंने ली है चिमटी से पकड़ के, और इस तरह से ये साफ करें। रेगुलेटर के नीचे जो बाल्ब होता है और उसकी हम सफाई करेंगे। और ये जो है इन्होंने कुछ ये ऑयल टाइप लगाया है। और अब जो है ये हम रेगुलेटर को भी नीचे से साफ करे हैं, और फिर देखिए कैसे स्प्रिंग है नीचे इसके और कैसे आपने इसको फिट करना है। जो है ये देखिए ये नट हो गया। तो इस तरह से जो है ये हमारा एक वाल हमने साफ कर दिया चूल्हे का। और ये फिर अब स्क्रू ड्राइवर है, इसको आप टाइट कर दिया है। अब जो दूसरे वाला भी हम करेंगे। ये निकाल रहे हैं, देखिए कैसे निकालना है आपने। इसका नट आपने संभाल के रखना, और ये रेगुलेटर के नीचे एक स्प्रिंग होता है, और ये हमारा वाल्व हो गया। इसकी भी हम फिर जैसे हमने पहले सफाई करी थी ठीक वैसे ही इसकी सफाई हम करेंगे। तो ये कचरा जो है ये निकाल रहे हैं छोटा छोटा, और फिर हम आपको दिखाएंगे कि हमारा चूल्हा सही ढंग से जलता भी है कि नहीं। तो बहुत ही छोटी छोटी ये सुई है और छोटे छोटे छेद से ये सफाई करें। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हमें लग रहा है, और फिर ये थोड़ा सा ग्रीस या कुछ हमें पता नहीं क्या लगा रहे हैं, ये इन्होंने लगाया है। और फिर जो है ये हम कैसे आपने डालना है। ये हमारा
जो है शायद निकल गया है। तो यह इस तरह से इसकी भी हम सफाई करें। एक और ये है इसकी जो हमारा अपना जो हमने जो रेगुलेटर हटाया गैस का वापिस लगा रहे हैं। तो स्प्रिंग डाला है ये देखिए, स्प्रिंग के ऊपर आपने ये हमारा जो है फिट होता है। कोशिश कर रहे हैं थोड़ा बहुत हमारा जो नट है वो या तो घिस गया है या थोड़ी सी दिक्कत आ रही है जो है इसको हम देखते हैं ऊपर कैसे आपने टाइट करना है। तो ये हमारी वाल्व जो है वो साफ हो गई। हमारा जो गैस के चूल्हे के नीचे वाला पार्ट है उसको भी शायद ये साफ करें। तो देखते हैं छोटा सा पार्ट है ये जो कि हमारे ये देखिए इधर से निकलता है और इसकी ये चाबी जो है 9 से 10 नंबर होनी चाहिए या ग्लास से एक सर से पकड़े हैं जो है ये। तो इस तरह से जो है ये करें। तो 9 से 10 नंबर चाबी होने के लिए छोटी सी चाबी लगती है, इसको भी हम साफ करेंगे। तो चूल्हे के ये नीचे लगता है हमारे जो आप बर्नर कहते हैं इसमें से हमारी गैस आती है। गैस चेक करें कि भाई गैस आ भी रही है कि नहीं। तो हमारा ठीक ठाक हो रहा है और अब जो है ये कैसे वापस में फिटिंग करनी है फिर से हम टाइट कर देंगे। दोनों तरफ से हम लगा रहे हैं ऊपर नीचे और ये चाबी से हम टाइट करना है, प्रॉपर टाइट करना है। जो है ये हम लगा रहे हैं प्लीज सब फिट करें। तो ये जो हमने नट खोले थे उसको जो है छोटे पेचकस की मदद से टाइट करना ऊपर और नीचे। और ये हमें पला से पकड़ा और फिर पेचकस से टाइट कर देंगे स्क्रू डालने के बाद। थोड़ी बहुत दिक्कत हमें आ रही है तो ये देखिए थोड़ा सा लग रहा है मेरे को, मतलब मुश्किल हो रहा है। तो ये हमने सीधा कर दिया है और अब जो ये देखिए हमारा बिल्कुल भी नहीं जल रहा था पहले। तो शायद देखते हैं ये लीकेज चेक करें कि भाई कहीं कोई लीकेज तो नहीं है, कोई लीकेज होगी तो ये हमें ठीक है। तो वापिस हम देखते हैं कैसे लगाने हैं बाकी पार्ट्स। तो बहुत ही सिंपल तो नहीं है, इतना दिक्कत इतना सिंपल नहीं है। तो बाकी ठीक है चारों बिल्कुल। तो फ्रेंड्स इस गैस चूल्हे को ठीक कराए हुए 2 महीने से भी ऊपर हो गए हैं। तो आपको हम ये चेक करा के दिखाते हैं। तो हम सारे चूल्हे को ऑन कर देते हैं और ये हमने कर दिया। आप ये देखिए थोड़ी बहुत ये फ्लेम जो है कम हो गई है क्योंकि हमने जो है इसमें बैगन का परथा किया था, शायद हमें फिर दोबारा इसको साफ कराना पड़ेगा। फ्रेंड्स हम वीडियो के नीचे जो है लिंक डाल देंगे तो आप सभी प्रकार के गैस चूल्हे ऑनलाइन अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए, कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स इस ऑक्टो इग्निशन के लिए जो है इसके अंदर एक मोटा सा सेल भी डलता है, बाय चांस आपके उसमें दिक्कत आए तो आप मोटा सेल इसमें बदल सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं। तो ये हमारा जो चैनल है सुखदेव तनेजा, इसके नीचे आप रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको आपने जस्ट टच करना। तो ये
लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब हो गया। अगर आप हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट चाहते हैं अपने मोबाइल या टेबलेट पर, तो ये बेल वाला आइकन है, इसको आपने टच करना है, तो आप जो है सारे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर या टेबलेट पर आएंगे।